नाउ इंडिया ने नमीबिया के साथ एक हिस्टोरिक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत 15 अगस्त से पहले भारत में 8 से 9 चीतों को लाया जाएगा। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर रखा जाएगा। नाउ इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। भारत में साल 1952 में इंडियन चीता को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। जो चीते अभी आएंगे वे अफ्रीकन चीते होंगे, ना कि इंडियन चीते। इन चीतों के आते ही भारत दुनिया का एकमात्र देश बन जाएगा जहां 5 बिग कैट्स रहती हों, यानी लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता, यह सभी जानवर एक साथ रहते हों। साल 2018 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट से यह डिमांड किया कि इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क के बाहर अन्य पार्कों में भी रखना चाहिए। हालांकि जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अफ्रीकन चीतों को भारत में रखना सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर होगा। भारत सरकार चाहती है कि अगले 15 सालों में चीतों की संख्या बढ़कर 21 हो जाए। नाउ देखना यह होगा कि ये क्या इंडिया के क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं। धन्यवाद।